जल्दी करना, बिकॉज अब यहाँ से आप जोन के बाहर ज्यादा देर तक ना रुके तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से अगर जोन श्रिंकिंग एक बार स्टार्ट हो जाएगा, और हमने नाम ही लिया जोन श्रिंकिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर अब नॉकआउट खिलाड़ी को बिल्कुल भी आप रिवाइव नहीं दे सकते हैं। अगर आप रिवाइव देंगे तो आप समझ जाइए वो खिलाड़ी फिर से वो मतलब नॉकआउट खुद ऑटोमेटिकली प्ले जोन से हो जाएगा। यहाँ पर रेगल टॉस आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन एरिक बा उनको यहाँ पर परेशान करते हैं, क्योंकि उनके प्लेयर्स भी अगर आप देखिए नॉकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है 1v2 हो सकता है, yes. It is. मवी ने वहां पर क्या बढ़िया है फायर का इस्तेमाल करा गेम्सो, और स्मोक के बीच में से हल्की पार्शियल विसिनिटी थी, दो खिलाड़ी अभी भी बचे हैं। मवी चाहे तो ये 1v4 मुमकिन है, सही टाइम पर फर्स्ट एड लगा दिया, नीचे साउंड आ गया है, इंटेल पूरा आ चुका है, ऊपर से जिसने भी आना है उसका शायद इतना दिक्कत ना भी हो, बट यहाँ पर इस गॉड मार्कोस गेम के खिलाड़ी नॉक हुए प्लेयर्स को डाउन करके अपने फिनिश पॉइंट रन करते हुए जोन का डैमेज लेंगे निकबा के क्लॉक। मवी यहाँ पर हील बैटल कर रहे हैं, साथ में और हीलिंग्स भी मिल जाएंगी, बट मेरी नजर में अभी भी मवी के पास मौका है वो 1v4 करने का। नॉक करा एक, डैमेज लिया और अब हील भी नहीं कर पाएंगे, एंड वही हुआ जिसका डर था कि यहां से या तो स्लैम डाल दो या डिसेंगे।